ऊपर नीचे करना है, ये भी अंदर आइट्स में बहुत लाभदायक होता है। तीनों जॉइंट इसमें कवर हो रहे हैं, आपके कलाई वाला जॉइंट, कंधे वाला जॉइंट और एल्बो कोहनी वाला जॉइंट। इसके बाद इस तरह से घुमाओ, पूरा कंधे का मूवमेंट है सामने की ओर से। इसके बाद विपरीत दिशा में वेरी नाइस सीधे खड़े हो जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, वो ग्रीवा से रिलेटेड है, ग्रीवा चालन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व योग दिवस में भी वो शामिल है। सीधे खड़े होकर के सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने लाना, छुट्टी को इधर लगाना है, भरते हुए पीछे छोड़ते हुए सामने, भरते हुए पीछे छोड़ते हुए सामने, ये 20 बार करना है। जिसको अगर थायराइड की प्रॉब्लम होती है उसको 20 बार करना है, ठीक है ना। दाएं बाएं करेंगे, दाहिने तरफ कान को कंधे से स्पर्श करने का प्रयास, सांस भरते हुए बीच में, छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर बीच में, फिर दाहिने तरफ सांस छोड़ते हुए, करते हुए बीच में, बाएं तरफ, ये भी 20 बार करना है। कॉमन आदमी 10 बार करेगा, बट किसी को थायराइड है तो वो 20 बार करेगा, ठीक है। और छुट्टी को पैरेलल ले जाना कंधे के, इस तरह से सांस छोड़ते हुए, ये आराम से, कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, इसी मूवमेंट ऑफ योर नेक इन डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी सूक्ष्म नाड़ियां नसें जुड़ी है, ठीक है ना। तो बड़ा सेंसिटिव गर्दन का मामला होता है, बड़े आराम से करना है इसको, और इसको घुमाना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में पूरा गर्दन को, आंखें खोल के बड़े आराम से, बहुत धीरे धीरे, कोई झटका नहीं, कोई जर्क नहीं, मूवमेंट ऑफ योर नेक, इजी मूवमेंट ऑफ योर नेक इन बोथ द डायरेक्शंस, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज 5 टाइम्स। तो ये आपको गर्दन के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी आपके लिए है। ये गर्दन वाला ज्वाइंट, बॉडी के जितने भी ज्वाइंट्स हैं इनसे रिलेटेड जितने भी आसन हैं, जितने भी व्यायाम हैं, वो अर्थराइट्स में बहुत लाभदायक हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं फिटनेस से रिलेटेड, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं आपके लिए। कमर का जो ज्वाइंट है वेस्ट का, उसके लिए भी अपन को कमर को भी इस तरह से मूव करते हैं क्लॉक वाइज। ये भी कमर का जो जोड़ है, कमर के ज्वाइंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, लाभदायक है। दूसरी तरफ से भी घुमा लेते हैं, कई लोगों को कमर दर्द होता है ना घर में, आप बता दीजिए कि इसका अभ्यास रोज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका, अभी पूरे ज्वाइंट से रिलेटेड एक बार बता देते हैं। अब बैठ के सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठना है केवल 10 उंगलियां इनका मूवमेंट करना है। देखो सांस को छोड़ते हुए सामने, भरते हुए अपनी ओर, केवल उंगलियां, केवल 10 उंगलियां, ठीक है ना। 10 उंगलियों का मूवमेंट आपको करना है, ये 10 बार करेंगे, वेरी नाइस। इसके बाद पूरा जो पंजा है पैर का, एड़ी का ज्वाइंट, उसको पूरा सामने और पीछे, सभी लोग करो, सामने और पीछे, सामने और पीछे, ये सारे ज्वाइंट से रिलेटेड है। दाएं बाएं दोनों तरफ जमीन में रखो, दोनों तरफ जमीन में रखने का प्रयास करना है, वेरी गुड। फिर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एड़ी वाला ज्वाइंट पूरा घुमाना है, ऐसा सर्कुलर वृत्ताकार इस तरह से घुमाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों का विकास, ज्वाइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, तो फिर वो वृद्धि रुक जाती है, ठीक। दाहिना पैर मोड़ के रख लो, बाएं के ऊपर उंगलियों को फंसा लो, एड़ी को इस तरह बढ़िया से घुमा दो, इस तरह कितने फ्री घूम रही है ये, वो हाथ से छोड़ो बेटे, हाँ ये उंगलियां ऐसे फंसा के, और इस तरह से घुमा, आराम से घुमा दो भैया, छोटे छोटे हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, वेरी नाइस। एड़ी को सटा लो पेट से, घुटने को जमीन में रखो और छुट्टी से लगाओ, ठीक है। सांस छोड़ते हुए जब ऊपर लाते हो, भरते हुए नीचे, छोड़ते हुए ऊपर फिर नीचे, ठीक है ना। ये हो गया, ये जो थाई वाला ज्वाइंट है इसके लिए इस तरह घुमाते हैं, जो पूरा घूमता है हमारा भैया, ये जैसे बाल बैरिंग फिट हो ना नया नया, उसी तरह से घूमता है।
कोई टाइट नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं, ये सब ठीक होता है। पूरा सीधा करो, बहुत सुंदर। तो हमने जो एक पैर पे आपको करके दिखाया है ना, यही सेम चीज हम दूसरे पैर में भी रिपीट करते हैं, ठीक है ना। ये भी अर्थ साइड में, दूसरे में जल्दी कर लेंगे, आसन अभी और भी बताएंगे। दूसरे पैर को मोड़ के रख लो, आप फिर से एड़ी का मूवमेंट करो। जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, इसमें सारे ज्वाइंट्स में ल्यूब्रिकेंट होता है। ल्यूब्रिकेंट को हिंदी में बोलोगे स्नेह, स्नेह माने ग्रीस कह सकते हो। तो ये फ्री मूवमेंट करता है, ये उम्र बढ़ती है जैसे आदमी की, ये कम होने लगता है, खत्म हो जाता है। डॉक्टर से इंजेक्शन से डालते हैं आजकल मुंबई में, वो यहाँ व्यवस्था नहीं है। फिर एड़ी को चटालो, पेट से नीचे रखो, घुटना ऊपर सुद्धी से लगाओ। हाँ, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। और थाई वाले ज्वाइंट के लिए पूरे घुटने को